Type 3 hypersensitivity, that is the third important type of the hypersensitivity reaction, which are the overreactivation of the immune system. So other name for the type 3 hypersensitivity is the immune complex hypersensitivity. Immune complex. Immune complex ka matlab hai ke whenever antigen antibody reaction would be there, ek immune complex banta hai. Antigen or antibody ka jo complex hai, that is called as immune complex. Lekin ye immune complex, it would be insoluble form. It is not fixed on certain cells. So the time required for such kind of hypersensitivity reaction is usually 3 to 10 hours after exposure to the antigen. Jab antigen se individual expose ho jata hai, uske baad it requires 3 to 10 hours so that ke us antigen ke against jo antibody develop ho aur wo antibody us antigen ke saath bind kare aur antigen antibody complex bane, and afterward wo immune complex jo hai uski final destination wo kisi cell pe bhi ho sakti hai, kisi tissue pe bhi ho sakti hai. That is very important. So soluble immune complex formation is very critical in this form of type 3 hypersensitivity reaction. टाइप टू में हमने देखा था कि जो एंटीजन है वो किसी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, या तो वो एंडोजिनस है जैसे आरबीसीज के केस में, आरएच के केस में हमने देखा, और वो एक्सोजिनस भी हो सकती है जैसे ड्रग है. उसके लिए ज़रूरी है डेट शुड बी फिक्स और एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सर्टन सेल. लेकिन इस केस में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इसमें एंटीजन सोलबल फॉर्म में होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो उसके साथ रिएक्ट करेंगी. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और डेट रिएक्शन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेट वुड बी कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड डेट इज सोलूबल इम्यून कॉम्प्लेक्स. ओके, इम्यून कॉम्प्लेक्स इफेक्ट जनरली. अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली ऑल द बॉडी उसको डैमेज कर सकता है. ओके, दैट मींस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज अ सीरम सिकनेस, के इम्यून कॉम्प्लेक्स बॉडी में किसी भी साइड पे जाके फिक्स हो सकता है और वहाँ पे जाके डैमेज कॉज कर सकता है, टिश्यू में डैमेज कॉज कर सकता है. उस कंडीशन में दैट इज कॉल्ड एज सीरम सिकनेस. एंड ऑन दी अदर साइड वो इम्यून कॉम्प्लेक्स इट वुड बी स्पेसिफिक टू वेरियस ऑर्गन्स, कि या तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स पे जाके डिपॉजिट हो इम्यून कॉम्प्लेक्स, डेट इज़ सोलूबल इन नेचर. सोलूबल से जब वो किसी प्रेसिपिटेट, यू कैन सी डेट, वो किसी सरफेस पे जाके बाइंड करे तो वो स्पेसिफिक टिश्यू के सेल्स हों, डेट्स वाई इट वुड बी अ स्पेसिफिक डिपोजिशन ऑफ डैट इम्यून कॉम्प्लेक्स. Here you can see that various organs are being involved, like skin. Skin ke case mein jo type 3 hypersensitivity reaction hai, it has an ability to cause a condition that is called as systemic lupus erythematosus. Systemic lupus, here in the figure you can see that ke body ke different parts skin mein, jisme face bhi hai, hands ki surface, dorsal surface, ventral surface, and here you can see that here under the nails, on the fingers, on the cheeks, all there are certain kind of reactions. You can see that abnormal deposition of certain, you can see that ke tissue is going to look like ke wo destroy hua hai, damage hai. So in this case that is another generalized form or specific form jisme wo skin ko damage kar raha hai, aur wo skin body mein kisi bhi part ki ho sakti hai. And another important thing, इन किडनी जो सेकेंड ऑर्गन है, अगर किडनी में वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके डिपॉजिट होगा तो अल्टीमेटली इट वुड कॉज द लूपस नेफ्राइटस. के नेफ्राइटस मींस के नेफ्रॉन से निकला है, कि जो नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन है, और उसमें जैसे स्किन में लूपस हो रहा है, लूपस मींस के उसकी डिपोजिशन हो रही है और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ रहे हैं, और यू कैन सी डैट उसमें रेडनेस, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग देयर. सिमिलरली किडनी में लूपस नेफ्राइटस वुड बी द केस इन केस ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस. इन लंग्स द एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस मींस दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एस्परजिला, दे आर लाइक दे आर सर्टेन फंजाई, जब वो आते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है और दे आर गोइंग टू डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ लंग्स. लंग्स की सर्फेस पे जब वो डिपॉजिट होंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स, इट विल डैमेज द टिश्यू ऑफ द लंग. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू काइंड ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ब्लड वेसल्स, अगर वो ब्लड वेसल्स
की सरफेस जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, उस पर डिपॉजिट हो रहे हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो उसमें डैमेज कॉज करेंगे. डैट कंडीशन वुड बी कॉल्ड एज पोलीआर्ट्राइटिस. के जो आर्टरीज हैं, देर आर सो मैनी, पोली मीन्स मैनी, मैनी आर्टरीज आर गोइंग टू इन्फ्लेम्ड, डिफरेंट लोकेशन पे वो डैमेज हो सकती है, इन्फ्लेम हो सकती है, डैट्स वाई इट इज़ पोलीआर्ट्राइटिस. इन केस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के केस में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ अ रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस. ऑर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. सो इन दिस फिगर यू कैन सी डैट दी ये जो जॉइंट्स हैं हैंड्स के, यू कैन सी डैट फिंगर्स में द जॉइंट्स दे आर जस्ट गोइंग टू बी इन्फ्लेम्ड, दे आर डी शेप, दे आर डैमेज्ड इन सच अ वे कि उसमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर जस्ट गोइंग टू डिपॉजिट, और उसकी वजह से जॉइंट्स डी नेचर हो गए, डी शेप हो गए, एंड डैट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस. So in the pathogenesis of type 3 hypersensitivity, the mainly the involvement of certain microorganisms. Ke means ke jo microorganisms hain, unki kuch antigens hain jo ke activate karti hain immune system ko in such a way ke ek exaggerated, ek over reaction produce ho jata hai. So ye reaction jab produce ho jata hai, antigen antibody reaction hota hai, ek immune complex banta hai. Wo immune complex या किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे स्किन है, किडनी है, लंग्स हैं, या ब्लड वेसल्स हैं, जॉइंट्स, और वहाँ पे इट विल कॉज डिजीज और पैथोजेनेसिस. देन एंटीजेंस की बात करते हैं, अगर हम इन केस ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, दीज कैन बी वी कैन से दैट टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर बीइंग देयर. हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में भी देखा था, देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक एक्सोजिनस और एंडोजिनस. हियर द सेम एक्सोजिनस, एक्सोजिनस का मतलब है कि जो बॉडी की अपनी नहीं है, सेल्फ नहीं है, बाहर से आ रही हैं. एक्सो मीन्स आउटसाइड. सो क्रॉनिक बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन के मीन्स उनकी सरफेस पे जो एंटीजेंस हैं या उनके जो टॉक्सिन्स हैं जो एंटीजन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, वेन एवर दे आर जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, दीज वुड सर्व एज एन एक्सोजिनस एंटीजेंस. ऑन दी अदर हैंड द एंडोजिनस, एंडोजिनस मीन्स के बॉडी की सेल्फ. सो नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी के मीन्स के ऑर्गन स्पेसिफिक या नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, और उसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जिसमें डिफरेंट स्किन और डिफरेंट टिश्यू की स्किन जो है डैमेज हो रही है, डेट इज़ दी ऑटो इम्यून रिएक्शन. क्योंकि हमने हाइपर सेंसिटिविटी की एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखा है कि हाइपर सेंसिटिविटी कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, कि अपनी ही एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है. एंड हेयर एंटीजेंस आर सोलबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, कि एंटीजेंस जो हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सोलबल होंगी, उनकी नेचर सोलबल है. ऑन दी अदर हैंड जो टाइप 1 टाइप 2 थी, टाइप 2 में जो एंटीजेंस थी दोज आर नॉट सोलबल, दोज आर फिक्स्ड, दोज आर प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ सर्टन सेल्स जो कि आरबीसीज थे या टिश्यूज के दूसरे सेल्स जहाँ पर वो डिपॉजिटेड थी. सो एंटीबॉडीज इन दिस केस मोस्टली द IgG क्लास, IgG की क्लास एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन इस किस्म के रिएक्शंस में, लेकिन IgM आर आल्सो इन्वॉल्व. सो हेयर यू कैन सी दैट द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सोलबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट डेपोजिशन होगी. जैसे आप देख रहे हैं कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन जब एंटर हुई ये ब्लड में, ये ब्लड वेसल है, उसका सेक्शन है, एंड उस ब्लड वेसल में जब ये एंटीजन एंटर हुई तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आर बीइंग देयर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जब बनेंगे तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी फिक्स कर सकते हैं, ये बेसोफिल्स की कीमो अट्रैक्शन या कीमोटैक्सिस कर सकते हैं, प्लेटलेट्स की डेपोजिशन करते हैं, प्लेटलेट्स न्यूट्रोफिल्स दे आर इन्वॉल्व इन कॉजिंग द डैमेज, एंड लीजन, अगर इसमें एक लीजन बनेगी जब वेन एवर इट गोइंग टू बी डिपॉजिट, सो इट वुड कंटेन्स द न्यूट्रोफिल विद इम्यून कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रोफिल्स होंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स और इम्यून कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लीमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग देयर जो कि डैमेज करेंगी, एंड एज अ रिजल्ट वेजो एक्टिव एमाइंस दे आर ऑल्सो sometimes infiltrating macrophages are also being there. Jab healing ka process ho raha hota hai to macrophages they can also come into such kind of condition. But in this case type 3 hypersensitivity reaction, the
अफिनिटी मीन्स द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एंटीजन के साथ कैसे बाइंड करती है. एंड साइज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, जितना कम साइज होगा उतना कम डैमेज होगा. हियर यू कैन सी डैट इस केस में जो एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिट. वेन एवर इट इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिट, तो उसके साथ साथ जो एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर रहे हैं, दे आर एक इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होने के बाद उसके साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट है C3A C5A, ये न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस कर रहा है, और न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं, और उसके नतीजे में एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ दी माइक्रो थ्रोम्बस. थ्रोम्बस कहते हैं एक क्लॉट को, मींस के क्लॉट बन जाता है. माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉल क्लॉट इज गोइंग टू बी, दैट इज जस्ट लाइक दैट. तो ये क्लॉट जो है ये ब्लड वेसल में जब बन जाएगा, इट विल कॉजेज दी नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में से फिर ब्लड फ्लो एस क्विक नहीं कर सकेगा जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में होगा. डेट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोथ्रोम्बस. सो इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, तो ये जो वेसल है इसके जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके दरमियान जो गैप्स हैं दे विल बी मोर, और परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो ब्लड है इट विल मूव आउटसाइड, वेसल से बाहर जाएगा और टिश्यू में. डैट्स वाई वी आर सीन के SLE के केस में यू कैन सी डैट रेडनेस इट इज़ गिविंग, क्योंकि ब्लड इज गोइंग आउटसाइड. एंड डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट वी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स, के जो टिश्यूज़ हैं अगर टिश्यू स्पेसिफिक है तो टिश्यूज़ की बायोप्सी ली जाती हैं, और उन बायोप्सी में इम्यून कॉम्प्लेक्सिस को डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग अ टेक्निक डैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनोफ्लोरेसेंस. के इम्यूनोफ्लोरेसेंस के मीन्स के टिश्यू की सर्फेस, टिश्यू का सेक्शन होगा और उस पर हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे, और उस एंटीबॉडीज़ के साथ फ्लोरिसेंट डाई और जो फ्लोरिसेंट टैग है वो होगा. एंड इफ देयर वुड बी द फ्लोरिसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप, सो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये टिश्यू डैमेज है, इस पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट है, साथ में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी हैं, और एज अ रिजल्ट टिश्यू इज गोइंग टू बी डैमेज. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक रिगार्डिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. एंड टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग द डेपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस on the various tissues and the various cells of the body.